योग दिवस तो है, लेकिन कौन सा योग दिवस है? कौन सा योग दिवस है? हाँ, आज आठवां विश्व योग दिवस है। यह पूरे विश्व में है मशहूर, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहते हैं। और आठवां है, आठवां विश्व योग दिवस हम मना रहे हैं। तो इसमें देखो, योग की महत्ता तो सभी जानते ही हैं कि योग है तो निरोग है। तो हमें ये सिद्धांत हमेशा अपनाना चाहिए और नियमित योग करना चाहिए। और कौन कौन सी योग क्रिया करनी है उनको आज हम इस योग दिवस के अवसर पर हम अभ्यास में लाए। इस प्रकार से तीनों उंगलियां जुड़ी हुई ऐसे और बहुत सुंदर रख लो, पैरों रख लो, काफे आप भी सीने पहले बैठी ऐसे, ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो ये सुखासन, ये हमारी योग का पहला सिद्धांत है कि किसी एक आसन में हम अपने को स्थित कर लें, तो सुखासन हो गया। अब इसके बाद आप एक जगह, आप अपनी जगह पर ही खड़े हो जाएंगे। पहले हम खड़े के जिसे वार्म अप एक्सरसाइज कहते हैं वो करेंगे, खड़े हो जाएंगे।
ठीक है, अब करेंगे एक बार और। ऊपर ऊपर हाँ बढ़ते हुए पैरों की तरफ आइए, नीचे पैरों को छू सकते हैं आराम से, ठीक है, कि जबरदस्ती नहीं करना। फिर ऊपर चलिए, गुड, फिर आइए हाँ निकालते हुए, हाँ बढ़ते हुए ऊपर चले, हैंड डाउन। अब करेंगे बैठने के, बैठ जाइए, ठीक है, ठीक इस तरह से। अच्छा, आपको करना क्या है कि पैर को थोड़ा सा मोड़े, पहले एक डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देते हैं। लेट जाएंगे, लेट के आप इतना उठाएंगे बस, ठीक है, आप यहाँ आ जाएंगे और इतना दोनों पैर टेस्ट करेंगे, दोनों पैर ताकि एक बार डिमोन्स्ट्रेशन करो, ऐसे बहुत अच्छे, वेरी गुड, देख लो कर सकते हो, ठीक है, अभ्यास हो गया। अब शुरू करते हैं, आप कैसे सारी मस्ती जो जब हम कहें, जब हम कहते हैं, जब हमें उन्हें सिखा रहे तब क्यों कह रहे, जब परफेक्ट हो जाए, जब मैं कह दिया तब हाँ वेरी गुड, आप समझ रहे हैं, ओके हाँ शुरू कर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए, एक और थोड़े हो जाओ, नहीं लेट लेट के भी कर सकते हैं, लेट के बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, आइए नीचे नीचे, अच्छा इसी को भी लेट के वो आसानी से करेंगे, हाँ करिए, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नहीं, बस इतना ही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, रोक के कोशिश करें, देखो ये बहुत देर तक देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, नीचे आ गया, कितनी देर कर सकते हो, बहुत अच्छे, ऐसे आराम से ये पढ़ते हैं, ऐसे बिल्कुल शवासन रतन भी बिल्कुल अपने कर लो, और बहुत आराम से बहुत सुखान करो, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत अच्छे कुछ करे, ईश्वर हमें एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, हमें हमारे मन को बहुत प्रसन्न रखते हैं, ऐसे तो खुशी महसूस करो, ठीक है, उससे क्या होगा, एक मिनट का ही करेंगे तो इससे जितना भी तुमने करी एक्सरसाइज उसमें थकान आ गई तो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये कहलाता है शवासन, शवासन बेटे आप दिन ऐसे करेंगे, ऐसे लेंगे इस तरीके से पकड़े, फिर अपने सिर को उठा करके पैरों के पास लाने का प्रयास करें, आराम से बहुत जाते थोड़ा लिख दिया, नहीं सर आओ थोड़ा चाहते वो नहीं समझ के, ऐसे ये ऐसे देखो ये हो गया, ऐसे करिए, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा नहीं, आराम से, बहुत अच्छा, ये कहलाता है पवन मुक्तासन, ये डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है, बहुत अच्छा, वापस आए तो यूँ करो, पैर मिलाओ, पैर मिलाइए इसे उठाइए, ये है भुजंगासन, क्या है भुजंगासन, ऐसे करके उठाइए भुजंगासन, ये है भुजंगासन, भुजंग माने भुजंगासन, सांस भरते हुए ऊपर जाए, जितनी देर सांस उठी जाए उतनी देर ऊपर करो, फिर इसके बाद फिर फन उठाओ, सांस लेते हुए, अब सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आए, इसको खाना खाने के बाद जरूर काट करो, ये वाला इसको एक मिनट दो मिनट पाँच मिनट ऐसे सामान्य सांस लो, खाना खाने के बाद ऐसे बैठ जाए करो, ठीक है, आप अपने मंडू करना है, मंडू माने मंडू को नेटअप नेटअप मंडू माने नेटअप, और इसके लिए
सा और थोड़ा सा अभी को क्या पास बहुत अच्छा पास जितनी कर सकते हो आइए ठीक है बहुत बढ़िया बन चुका है। अच्छा अब आइए एक और करेंगे संस्कार पहले ने देखा हूँ कल ये बन तो भाई हट जा रहे करो ये बन गया था ये तुम्हें कान ऊपर खड़े करा फिर ऊपर थोड़ा फिर ऊपर जमीन का खरगोश बनो हाँ सर जितना आगे तो करते हैं ठीक है ये ठीक बहुत अच्छा पूरा बहुत अच्छा वापस आ जाइए ऐसे ये और इससे यहाँ लगा के और ऐसे उठाए अच्छा साइकिल चलाएगा ऐसे पांच पांच बार फिर पांच बार ऐसे ठीक है समझ में आ गया इसे करेंगे तो ये टाइट वगैरह सब दोनों स्थितियाँ बिल्कुल दुरुस्त है स्वस्थ है वो हेल्दी कहलाता है एक बहुत सुंदर शरीर से बहुत स्वस्थ और बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है लेकिन ब्रेन से वो बेकार है गाँव पे धरा जाता है उधर पैर कुछ करता है कुछ तो वो नॉट हेल्दी है वो हेल्दी नहीं है तो मन और शरीर यानी अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों सही होंगी तभी तो स्वस्थ माने जाएंगे तो उसके लिए हम ये तो हमारे शरीर की हो गई बाहर के शरीर को जितनी एक्सरसाइज अब है मन की हमारे आंतरिक अंग स्वस्थ रहे उसके लिए बताते हैं तो सबसे पहले वो भी भस्त्रिका कहते हैं वो उठाएंगे जिसमें सांस को अंदर खींचेंगे बहुत काफ़ी अंदर ले जाएंगे सांस को डीप ब्रीदिंग करेंगे और रोक लेंगे और फिर उसको निकालेंगे इस तरह से फिर निकालेंगे धीरे निकालेंगे और जिस समय निकाल रहे हैं ना तो थोड़ी सी ले लिए थे चुरा के धीरे देखना कैसे करते हैं देखो ध्यान से निकाल सकते हैं कितनी देर
सब पूरा रक्त का संचार बढ़ेगा, कुछ सब कैसे कर रहा हूँ।